दोस्तों, मैं अमन आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 8 मैथ, चैप्टर है 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 3 इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, आइए पहले किताब में देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। वो किताब आ चुकी है। Add of the following, ये रहा क्वेश्चन थर्ड। Add of the following, इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमको ऐड करना है इस वाली इक्वेशन को। ओके, इसको हम ऐड कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हम ऐड करेंगे बस, समझेंगे कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। ओके, सिर्फ फर्स्ट स्टेप हमको ये रखना है कि इसमें जो सारे टर्म्स हैं वो है मोनोमियल्स, यानी कि द्विपदीय। इसमें कितने टर्म्स हैं? 1, 2, 3 टर्म्स हैं। अब करना क्या है हमको, इन 3 टर्म्स को ब्रैकेट में बंद करना है। आइए करके देखते हैं। बराबर ज़्यादा जल्दी लगाना है इक्वल का निशान। ए बी माइनस बी सी ब्रैकेट, बी सी माइनस सी ए ब्रैकेट क्लोज, सी ए माइनस ए बी ब्रैकेट क्लोज। बीच में हमको प्लस करना है, प्लस लगा दो। ओके, अब ब्रैकेट को हटा देते हैं। अब क्या करना है इसके आगे, हमको क्या करना है इसके आगे, हमको करना है इसको काटना है या प्लस करना है या जोड़ना है, कुछ एक काम करना है इन तीनों में से। तीनों हो सकते हैं, एक काम नहीं करना, तीनों करने हैं इसमें। पर इस वाले इक्वेशन में क्या करना है आगे बताइए। सेम डिजिट और अनसेम, मतलब जो अनसेम सिंबल हो इसके, तो वो डिजिट तो कट जाएगी। जैसे कि ए बी और कहाँ है, ये रहा ए बी, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये दोनों कैसी हो जाएंगी, कट जाएंगी एक दूसरे से। सी ए प्लस का है, सी ए माइनस का है, कट, ठीक बोल रहा हूँ मैं। बी सी प्लस का, बी सी माइनस का, कट। आंसर क्या है हमारा, 0 आंसर। ओके, इसी वीडियो में मैं दूसरा करूँगा, दूसरी इक्वेशन करूँगा। एंड अगली वीडियो में मैं इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ करूँगा। ओके, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन उतार लिए। आप मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठा करिए, आप साथ के साथ इसमें से करते जाइए करिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको भी हमको ऐसे करना है ब्रैकेट में। प्लस करना है इसलिए प्लस का निशान। अब ब्रैकेट हटाएंगे हम। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, ए बी था, बी ए कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, है तो वही डिजिट, कोई परेशानी ना आएगी, ना कोई नंबर कटेगा। ओके, टेंशन नहीं होना। सबसे पहले आ रहा है हमारा ए प्लस का, ये रहा माइनस का ए, दिख गया मुझे, कट गया। माइनस का बी, माइनस प्लस का बी ढूंढिए जल्दी से, कहाँ है, ये रहा ए भी है नहीं दूसरा, इसलिए ए भी उतार लिया। इस इक्वल टू जरूर लगाना है, माने का सी प्लस का जी सी डोड़िए कटने के लिए, नहीं तो माइनस का डोड़ लिया प्लस करने के लिए, ये रहा कट गया, ये भी कट गया। इसके बाद प्लस के बी सी और कुछ बचा नहीं है, प्लस का नहीं 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 एक चीज कट रही थी बच्चों, गलत कर दिया। यहाँ पर मैंने थोड़ी गलत इक्वेशन उतार ली थी, इसमें है ए सी, लास्ट में ए सी है, सॉरी सॉरी बोलता हूँ,
यहाँ पर भी सी ही आएगा, सॉरी बोलता हूँ बच्चों दोबारा से, यहाँ पर भी सी आएगा। हमने यहाँ पे उल्टा लिख दिया था, इसको हम यहाँ पे सीधे कर लेंगे, वो मिस्टेक से लिख दिया था, सुधार लेना अपनी कॉपी में। ओके, और अगली वीडियो में मैं एक इक्वेशन थर्ड इक्वेशन फोर्थ करूँगा। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि मैंने ब्रैकेट क्यों लगाए, मैं डायरेक्ट कॉमा की जगह प्लस भी तो रख सकता था। ब्रैकेट इसलिए लगाए कि आगे की वीडियो में अब आएंगे हमारे माइनस के सवाल। माइनस के सवालों में ब्रैकेट के अंदर वाले साइन जो है ये वाला चेंज हो जाते हैं, इसलिए अभी से आपको आदत करनी पड़ेगी। और ऐसा आप करोगे सवाल को तो आपका सही जाएगा, गलत कभी नहीं जा सकता, इसलिए आपको ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।